Good evening, students. So we will start with NCERT exemplar of molecular basis of inheritance, chapter number 6 of class 12th biology. We are done with MCQs, very short answer type of questions. Okay. And 28 MCQs and 11 very short answer type of questions and 23 short answer type of questions. Now we are only left with long answer type questions. तो आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है? एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे ओनली. माय नेम इज गुंजन शर्मा, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स नागपुर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द लेफ्ट स्क्रीन, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही पीडीएफ है ये. एंड राइट स्क्रीन पे मैं आपको समझाऊंगी कि आंसर्स में क्या लिखना है और कैसे लिखना है. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन पूछ रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट की बात की है. हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड इट कंक्लूसिवली प्रूव इफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन कंटेन फॉस्फोरस एंड सल्फर, डू यू थिंक द रिजल्ट वुड हैव बीन द सेम. तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट की बात बार बार हमारे इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में आई है. तो इससे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करो एंड उसके बारे में बताओ कि उस एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि इफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन्स कंटेन फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, इसमें बोला है कि दोनों के दोनों, डीएनए भी और प्रोटीन दोनों ने अगर फॉस्फोरस एंड सल्फर कंटेन किया तो आगे का पूछा है कि डू यू थिंक द रिजल्ट वुड हैव बीन द सेम. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था. तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे आपके लिए बनाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. पहले आपको बताना है कि उस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन था, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर प्रोटीन और डीएनए दोनों के पास सल्फर होता और फॉस्फोरस होता रेडियो एक्टिव, तो हमारे जो रिजल्ट्स थे उनमें क्या अंतर आता या फिर नहीं आता, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखिए इस डायग्राम की हेल्प से कि क्या था वो एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के तीन स्टेप्स थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. तो बैक्टीरियोफाज नाम का एक वायरस होता है जो लिया गया था. एक बैक्टीरियोफाज वायरस के अंदर जो प्रोटीन कैप्सूल था उसके अंदर सल्फर डाला था और दूसरे बैक्टीरियोफाज के जो डीएनए है उसमें फॉस्फोरस डाला था और दोनों को ही एक बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट किया था जिस बैक्टीरिया नाम था ई कोलाई बैक्टीरिया है. इसका मतलब है कि जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के पास इन्फेक्ट किया तो वो अंदर गया, ठीक है, अंदर जाके उसने अपना जो डीएनए था वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया. अब जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करता है, वो एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो है, वायरस है, ये क्या करेगा अपने जो डीएनए है उससे आरएनए बनाएगा, रिवर्स करेगा, ठीक है, एंड अपने आरएनए को डीएनए जो बैक्टीरिया का आरएनए है उससे जोड़ देगा. तो ये पूरा काम करेगा अंदर जाके. एंड देन थर्ड स्टेप था आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ था ना, देखिए जैसे मैंने बताया बस डीएनए ही जुड़ता है, प्रोटीन नहीं जुड़ता है. पहले वाले में हमने प्रोटीन में सल्फर डाला था तो कोई भी सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ सेल में क्योंकि सारा प्रोटीन तो देखिए बाहर रह गया. ये सेकंड डायग्राम में देखिए ये प्रोटीन कैप्सूल बाहर रह गया, अंदर बस डीएनए गया. तो फर्स्ट जो बैक्टीरिया को हम ऑब्जर्व करेंगे उसमें हमें कोई सल्फर नहीं मिला क्योंकि सारा प्रोटीन बाहर रह गया, बट सेकंड में हमने फॉस्फोरस को डिटेक्ट किया बैक्टीरिया सेल के अंदर क्योंकि डीएनए तो अंदर जाता है और डीएनए में क्या था, फॉस्फोरस था. तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने जो कंक्लूशन निकाला था वो यही था कि रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई सुपरनेटेंट में जो बाहर रह गई और दूसरे में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई. तो इसका मतलब कंक्लूशन ये है कि जो मटेरियल ट्रांसफर होता है वो होता है आपका डीएनए, वो प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है.
तो कंक्लूजन देखिए निकला था, डीएनए वाज फाउंड टू बी जेनेटिक मटेरियल। अगर दोनों के दोनों डीएनए एंड प्रोटीन के अंदर सल्फर और फॉस्फोरस होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि एग्जैक्टली डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या फॉस्फोरस है। अब आप दिमाग लगाओ, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, अगर प्रोटीन के अंदर भी आपका सल्फर और फॉस्फोरस होता और डीएनए के अंदर भी आपका सल्फर और फॉस्फोरस होता, तो पहला वाला जो रिजल्ट बैक्टीरिया का जो रिजल्ट था वो दूसरे वाले बैक्टीरिया के रिजल्ट से सेम होता, क्योंकि डीएनए ट्रांसफर हो जाता और डीएनए फॉस्फोरस और सल्फर दोनों को सुपर नेटेंट में शो कर देता। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के पास भी डीएनए सल्फर और फॉस्फोरस है और डीएनए के पास भी सल्फर और फॉस्फोरस है, तो रिजल्ट्स में कोई अंतर होता ही नहीं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो जाता अगर हम दोनों के, जो आपको क्वेश्चन में ये दिया है ना सिचुएशनशिप दिया है कि अगर मान लो दोनों बोथ डीएनए एंड प्रोटीन के पास फॉस्फोरस और सल्फर होता तो क्या होता, मतलब कुछ नहीं होता, रिजल्ट एकदम ही निल के बराबर आते, क्योंकि हम पिन पॉइंट ही नहीं कर पाते कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब अलग अलग रखा डीएनए और प्रोटीन में, तो हमने पिन पॉइंट किया कि जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि पूछा था कि क्या था हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, तो आपको वो थोड़ा सा पहले समझाना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, वायरसेस वर ग्रोन ऑन टू मीडिया, वन मीडियम कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड अनदर कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। सेकेंड स्टेप क्या था, वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट मच प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन डज नॉट कंटेन फॉस्फोरस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, वायरसेस को दो मीडिया में ग्रो किया, एक मीडिया के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, दूसरे के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था। तो सेकेंड स्टेप था, वायरसेस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किए उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स नहीं थे, इसलिए प्रोटीन के पास फॉस्फोरस नहीं पहुंचा। फिर थर्ड स्टेप था, वायरसेस जो रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो किया उनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था लेकिन डीएनए नहीं था, तो डीएनए के पास सल्फर नहीं आया। फिर रेडियो एक्टिव फेजेस को अलाउड किया फाजेस को टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, वन द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, द वायरल क्वार्टर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड देन वायरल पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया फॉर फर्दर एनालिसिस। मतलब थोड़ा सा वायरल का जो मटेरियल था वो बाहर रहा, बाकी वायरस का मटेरियल अंदर गया, और ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि जो बाहर रह गया था वो प्रोटीन था और जो अंदर गया वो डीएनए था, क्योंकि हमने रेडियो एक्टिवली मार्क कर दिया था। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, रेडियो एक्टिव डीएनए वो सीन इन ओनली दोज बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विद फाजेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव डीएनए वॉज नॉट सीन ऑन दोज बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विद फाजेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर। तो ये इनकी इन वो थी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर वाले थे प्रोटीन और प्रोटीन अंदर गया नहीं, तो बैक्टीरिया का डीएनए में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए वो सीन इन बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से इन्फेक्ट हुए थे, क्योंकि फॉस्फोरस था डीएनए में और डीएनए अंदर गया, तो बैक्टीरिया का डीएनए भी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को डिटेक्ट किया। तो ये आपको समझने की जरूरत है, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, एंड ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू में। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या आप देख पूछ रहा है, तो हम उसको पूछेंगे। तो अंडरलाइंग द कोर्स, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, लाइन, हाँ, रेड कलर से मार्किंग देखना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन Why DNA was chosen over RNA? इसमें बोला है कि जब इवोल्यूशन हुआ था तो डीएनए को क्यों चूज किया गया आरएनए के ऊपर एज जेनेटिक मटेरियल। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, अभी दोबारा मैं आंसर बताने से पहले ही बता देती हूँ, हमने एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन किया था और उसमें आंसर हमारा बहुत सारा था, ऑल ऑफ दीस टाइप कुछ आंसर था। तो देखिए, फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन तो यही है, डीएनए क्यों है एक जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए स्टेबल है, डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंड आरएनए ऑक्सीजन हटा है, और जैसे ही ऑक्सीजन हटा है वो सब्सटेंस स्टेबल हो गया, वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट रीजन ये आपको हमेशा याद रखना है कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, दैट मटेरियल। सेकेंड, गिव रीजन बाय फर्स्ट
discussing the desired criteria in a molecule that can act as a genetic material and the light of biochemical difference between DNA and RNA. तो इसमें बोला है कि reasons बताओ, discuss करने के बाद the desired criteria in a molecule. Okay, give reasons by first discussing the desired criteria in a molecule that can act as a genetic material. तो पहले तो आपको ये बताना है कि अगर किसी molecule को genetic material आपको रखना है तो उसमें क्या क्या characteristics होनी चाहिए, क्या क्या criteria होने चाहिए, वो आपको describe करने हैं. उसके बाद biochemical difference आपको बताना है, RNA और DNA में क्या difference है वो बताना है. तो एक एक करके हम लेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या criteria होता है genetic material के लिए help करता है to act. ठीक है, तो देखिए क्राइटेरिया क्या है. क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट है इट शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही होगा कि रेप्लिकेशन मतलब अपने आप को कॉपी बनाने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, रेप्लिकेट करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए. क्योंकि अगर रेप्लिकेशन होगा तो वही जेनेटिक मटेरियल आगे जाएगा दूसरी प्रोजिनी में, है ना, अपने बच्चों में आगे ट्रांसफर होगा. जब एक से दो वो खुद बन पाएगा तो रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. दूसरा जो मैंने सबसे पहले पॉइंट बोला था स्टेबिलिटी का, वही है, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए डीएनए. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल आप जो भी चूज कर रहे हो आप ये देखिए कि वो स्टेबल है कि नहीं है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली. थर्ड पॉइंट, इट शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट स्लो चेंजेस म्यूटेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन. थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई स्लो चेंजेस होते हैं जैसे म्यूटेशंस होते हैं जो इवोल्यूशन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं, तो इट शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट स्लो चेंजेस. मतलब उसको उसमें ढल जाना चाहिए. अगर कोई म्यूटेशन भी हो जाता है तो इतना कोई ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन करना बंद कर जाएगा. इट शुड इनकॉर्पोरेट स्लो चेंजेस. ठीक है, स्लो चेंजेस होंगे तभी आगे जाके इवोल्यूशन होगा. इवोल्यूशन का नाम क्या है? इवोल्यूशन का नाम है कि धीरे धीरे आपका जो भी, मान लीजिए इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आज से पहले ह्यूमन बींग्स, आदमी प्रजाति जैसे रहती थी, जो करती थी, जो खाती थी, आज के टाइम पे वो बहुत बदल गया है. तो ये सब कुछ पार्ट है इवोल्यूशन का. ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो धीरे धीरे जो स्लो चेंजेस हुए उनमें ढल गया, इनकॉर्पोरेट कर गया, घुल मिल गया. तो ये थर्ड पॉइंट होना चाहिए, इवोल्यूशन जरूरी है इसलिए इट शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट स्लो चेंजेस. सेकेंड पॉइंट केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, एंड फर्स्ट पॉइंट कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन. देन फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? जो भी हमने मेंडेलियन कैरेक्टर्स पढ़े थे ना, हमारे चैप्टर में अलग से दे भी रखे हैं, तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, खुद को एक्सप्रेस भी करना चाहिए. मतलब मान लीजिए एक जेनेटिक मटेरियल है और वो नॉन फंक्शनल है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, तो दैट इज नॉट इवन नीडेड. ओके, दैट्स वाई इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो ये तो हो गए डिजायर्ड क्राइटेरिया इन अ मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर सकता है. अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही है, बोथ डीएनए एंड आरएनए शो कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ बेस पेयर्स एंड हैंस आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, दोनों के दोनों, डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों में क्या होता है? बेस पेयर्स होते हैं, इसलिए रेप्लिकेशन तो दोनों ही कर सकते हैं. और हमारा फर्स्ट पॉइंट इससे जस्टिफाई हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए. क्यों है दोनों के अंदर, डीएनए और आरएनए के अंदर? क्योंकि दोनों के अंदर बेस पेयर्स होते हैं. बेस पेयर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जैसे ए के साथ आपका गुआनिन के साथ आएगा, आपका क्या आएगा? एडिनिन आएगा ना? नहीं, ग्वानीन के साथ आएगा आपका साइटोसिन. तो मतलब पिरिमिडीन से प्यूरीन जुड़ेगा, तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द बेस पेयर्स. तो उसकी वजह से रेप्लिकेशन में हेल्प होती है. सेकंड पॉइंट, एज शोन बाय ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए बिकॉज इट कुड सर्वाइव इवन हीट किलिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. और हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि क्यों हम डीएनए को आरएनए से ज्यादा स्टेबल बोलते हैं. इसका रीजन ये है कि अगर हीट भी होती है ना, तो आरएनए तो डेड हो जाता है पर डीएनए वुड नॉट बी हीट किल्ड ड्यू टू हाई हीट, हाई टेम्परेचर. इसलिए डीएनए स्टेबल है, आरएनए रिएक्ट करके हीट में रिएक्शन करके डेड हो जाता है. तो सेकंड पॉइंट जो डिफरेंस है वो यही है कि डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज इट कैन सर्वाइव हीट किलिंग. फर्स्ट पॉइंट क्या है?
फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस नहीं है, बट ये दोनों के अंदर सेम चीज है कि दोनों के अंदर बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है. थर्ड पॉइंट, मैंने जैसा कि बताया था, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज, आरएनए इज राइबोज ओनली. डीएनए के अंदर जो शुगर होता है दैट इज डीऑक्सी राइबोज, मतलब डीएनए के अंदर ऑक्सीजन हट गया है, तो जो OH ग्रुप होता है उसमें से जब आप ऑक्सीजन हटा दोगे तो बस H ग्रुप बचेगा, तो इसलिए 2-OH ग्रुप होता है आरएनए में लेकिन डीएनए के अंदर नहीं होता है. और ये ही जो OH ग्रुप है ये आरएनए को और अनस्टेबल बनाता है, डिग्रेडेबल बनाता है. फोर्थ पॉइंट जो डिफरेंस में है वो आप लिखोगे कि बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन कैरी ऑन म्यूटेशंस, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज बेटर सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ म्यूटेशंस. फोर्थ पॉइंट भी सिमिलैरिटी बता रहा है कि दोनों के दोनों आरएनए और डीएनए म्यूटेशंस कर सकते हैं लेकिन डीएनए ज्यादा स्टेबल है, इसलिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ म्यूटेशंस सर्वाइव करने के लिए डीएनए इज ऑलवेज बेटर बिकॉज इट इज मोर स्टेबल. और स्टेबिलिटी के तो हमने दो रीजन देख लिए, एक हीट किलिंग वाला और एक OH ग्रुप वाला. तो आई डोंट थिंक सो अभी आपको इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए कि डीएनए बेटर है कि आरएनए बेटर है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए टू सेलेक्ट अ मॉलिक्यूल एज अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो हेंस डीएनए वॉज प्रेफर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एन अकाउंट ऑफ, देखिए लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोस ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस ऑफ अ यूकैरियोटिक एमआरएनए. देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताना है एक यूकैरियोटिक एमआरएनए. यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, जो हाई ग्रेड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो लास्ट डेवलप्ड सेल्स हैं उनके अंदर जो एमआरएनए होता है, ठीक है, आपको पता है ना ट्रांसक्रिप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन योर लेफ्ट स्क्रीन, गिव एन अकाउंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस ऑफ अ यूकैरियोटिक एमआरएनए. एम आई ऑडिबल सर? क्वेश्चन नंबर टू से, क्वेश्चन नंबर टू से लेना है. एक्चुअली ना वो ब्रेक हो गया था ना, आवाज वॉइस आपका, टू से लेना पड़ेगा. नंबर थ्री पे ही हुआ था, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर टू से ले लेती हूँ. नहीं, अगर थ्री पे हुआ था तो नहीं, जब मैंने आपको ना इंटरप्ट किया था तो उससे पहले से ही गड़बड़ हो रही थी, तो आप थ्री पे थे उसमें. हाँ सर, मैं थ्री पे ही थी सर, तब आपने. तो आप थ्री से स्टार्ट कर दो. हाँ सर, क्वेश्चन नंबर थ्री, गिवन एन अकाउंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस ऑफ अ यूकैरियोटिक एमआरएनए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस, ठीक है. तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आपके डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है. डीएनए से आरएनए का बनना इज पोस्ट आपका ट्रांसक्रिप्शन. अब जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसके बाद के जो भी इवेंट्स होंगे कि आरएनए बन गया, अब आरएनए के बनने के बाद जो भी इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स को हम बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स. तो ये तो यू हैव टू बी क्लियर विद इट. उसके बाद इसमें पूछा है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो भी मॉडिफिकेशंस होती है एक यूकैरियोटिक एमआरएनए में, ठीक है. यूकैरियोटिक का मतलब है जो हाईली डेवलप्ड सेल्स है, प्रोकैरियोटिक जो अंडर डेवलप्ड सेल्स थी, ठीक है, जो इवोल्यूशन में सबसे आगे है वो है यूकैरियोटिक सेल्स. तो उनके अंदर अब डीएनए से आरएनए बन गया, अब एमआरएनए के अंदर जो भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगे उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है. तो अब आप अपनी राइट स्क्रीन पे एक बार देखिए कि क्या क्या होता है. एक डायग्राम यहाँ पे डाला है, इस डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझना कि डायग्राम में, इफ आई जूम दिस डायग्राम यू आर एबल टू सी क्लियरली. सबसे पहले जो एक हेलिक्स शेप का एक ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है वो है आपका डीएनए 5-2-3-3-5-, ठीक है. अब वहां पे क्या आया, राइबोसोम्स आए और उनकी हेल्प से क्या बना, हमारा आरएनए बना. तो आरएनए में सबसे पहले कैपिंग, मतलब कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द आरएनए बना, जिसको हमने कैपिंग आरएनए बोला, जिसमें गुआनिन के बेस पेयर्स होते हैं. तो उनके अंदर एक्सोन और इंट्रोन दो पार्ट होते हैं आरएनए के, वो पहले भी बताया था. एक्सोन क्या होता है, जो एक्टिवेटेड सेगमेंट होता है, और इंट्रोन क्या होता है, जो नॉन फंक्शनल सेगमेंट होता है. मतलब फंक्शनल नॉन फंक्शनल से आप याद रखना, एक्सोन फंक्शनल होता है, इंट्रोन नॉन फंक्शनल होता है. फंक्शनल क्यों बोला है, क्योंकि वो आगे जाके प्रोटीन बनाता है एक्सोन, और नॉन फंक्शनल क्यों बोला है, क्योंकि आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो जब आप इस डायग्राम को देखोगे एमआरएनए के, तो आपको 5-2-3 में फर्स्ट ग्वानिन दिखेगा जो कैप है, लास्ट में बेस टेल होता है, और बीच में एक्सोन और इंट्रोन दिखेंगे. एक्सोन क्या होता है, एक्सोन होता है जो फंक्शनल होता है, इंट्रोन होता है नॉन फंक्शनल. ये आपने याद रख लिया. अब क्या होगा,
डायग्राम से ही समझ आ जाएगा क्या होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, फिर उसको बस आपको लैंग्वेज में लिखना है। देखिए फिर क्या होगा, ये आपका बन गया। इसके बाद क्या होगा ना, ये जो आप देख रहे हैं बीच में गोले गोले से बने हैं, ये गोले गोले इसलिए बने हैं जिससे कि इंट्रॉन हट जाए। तो सबसे पहले बीच में कॉइलिंग होगी और फिर उनको कट कर दिया जाएगा और इंट्रॉन सारे हट जाएंगे और लास्ट में बस एक्सोन बचेंगे, जिससे पूरा का पूरा फुल फ्लेश्ड फंक्शनल आरएनए आपका निकल के आए, जिसको हम एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो आगे जाके पूरा काम करेगा। अगर बीच में इंट्रॉन्स भी रहते तो इंट्रॉन्स बीच में रहते तो डिसरप्टेड फंक्शनैलिटी होती, कहीं कहीं फंक्शनल है, कहीं कहीं नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स है, इसलिए इंट्रॉन्स को हटाना इज इम्पॉर्टेंट। तो ये जो हुआ है ना, जहाँ पे गोले गोले से आपको दिखे हैं, ऐसे गोले होके इंट्रॉन्स कट के हट गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है कट कर देना बीच में से जो इंट्रॉन्स है उनको, ठीक है। तो इसी को बस लैंग्वेज में लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, पॉलीमरेज टू फैसिलिटेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए इनटू मैच्योर आरएनए। सबसे पहले जब अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो गया, हम बस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को यहाँ पे इलस्ट्रेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया मतलब एक आरएनए बन गया है डीएनए से, अब क्या? तो सबसे पहले जो डीएनए से आरएनए बना है ना, यहाँ पे ये जो आरएनए बना है, ये आरएनए आपका है एचएनआरएनए। ये जो एच एन आर एन ए है, इससे अभी मैसेंजर आर एन ए मतलब एम आर एन ए बनने तक का जो सफर है, ये हम बेसिकली लिखने वाले हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। तो ये एच एन आर एन ए से एम आर एन ए कैसे बना, ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहला तो यही है कि पॉलीमरेज आया, ठीक है, उसने ट्रांसक्रिप्शन किया आरएनए का इनटू मैच्योर आरएनए, मतलब मैच्योर एमआरएनए बनाया। उसके बाद प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स में दोनों इंट्रॉन और एक्सॉन्स थे, जो नीचे डायग्राम में देखा और लिखा भी है कि जो इंट्रॉन्स थे वो नॉन फंक्शनल थे, तो स्प्लाइसिंग हुई। स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन्स हट गए, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर। उसके बाद कैपिंग एंड टेलिंग हैपेंस इन एच एन आरएनए। It requires a cap of guanosine and a tail of adenylate. हाँ, एक बात आपको ये याद रखना है कि cap के अंदर सारा guanine होता है और tail के अंदर सारा adenine होता है। Tail के अंदर adenine जो है, tail का work क्या होता है? Tail terminate कर देता है अगर कोई translation होता है तो, और cap start करता है अगर कोई translation होता है तो वो initiation बोलते हैं cap को, और tail को हम बोलते हैं termination। ठीक है, तो कैपिंग और टेलिंग जरूरी है। तो फिर कैपिंग एंड टेलिंग होती है, ग्वानीन जुड़ते हैं और एडिनिन जुड़ते हैं, कैप बनाते हैं और टेल बनाते हैं। फिर लास्ट में हम बोल सकते हैं कि अब जो आपका एच एन आर एन ए है वो एम मैच्योर एम आर एन ए में ट्रांसफर मतलब बदल गया है बेसिकली। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है ये प्रोसेस, लेकिन ये वाला डायग्राम बहुत ही जरूरी है। जब भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है, आपको ये डायग्राम बना के ही आना है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कैपिंग हो रहा है, टेलिंग हो रहा है और आपका आरएनए स्प्लाइसिंग हो रहा है। तीन चीजें आपको बता के आनी है, और एक पॉलीमरेज आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉलीमरेज टू ये आ रहा है, ये जो एंजाइम होता है, पॉलीमरेज इज अ प्रोटीन एंड प्रोटीन एक्ट्स एज एन एंजाइम, पॉलीमरेज टू, ये एंजाइम फैसिलिटेट करता है इस सारे प्रोसेस को, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन डिटेल। ये क्वेश्चन इतना कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा है, सीधे सीधे पूछा है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताइए। तो ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए से प्रोटीन बनना, बस यही है ट्रांसलेशन। इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। अब इसको आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट होता तो आपको बस एक लाइन लिखनी थी, शॉर्ट होता तो आपको थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना था। जबकि ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको एक एक चीज बतानी है। क्या क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि कौन से एंजाइम्स आए, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक स्टेप वाइज आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। तो आ जाते हैं अब इस डायग्राम पे, और थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से कि एग्जैक्टली कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाती हूँ, आप अपनी राइट स्क्रीन पे देखिए। इस डायग्राम में नीचे जो आपको ये दिख रहा है, ये एमआरएनए है, जिसमें सीक्वेंस लिखे हुए हैं, सी यू सी यू यू ट्रिपल जी यू डबल सी, ये सब बेस पेयर्स हैं।
नाइट्रोजन बेसिस है, और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में राइबोसोम की हेल्प लगती है। तो ये जो एमआरएनए है, इस पे जो दो आपको बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे राइबोसोम के दो पार्ट्स होते हैं, स्मॉल सेगमेंट एंड लार्जर सेगमेंट। तो स्मॉल सेगमेंट जुड़ा हुआ है, लार्जर सेगमेंट इसके जस्ट ऊपर है। तो क्या होता है, एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है विद राइबोसोम, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे जी ने सी से बनाया है, सी ने जी से बनाया है, ए से टी से, जी सी से, यू ए से, यू ए से, ये बेस पेयर बन गए आपके 6 नाइट्रोजन बेसिस के। अब इन बेस पेयर पे टीआरएनए आके अटैच होते हैं। ये पूरा टीआरएनए है, ये जो लंबा सा सेगमेंट आपको दिख रहा है ये टीआरएनए का है। टीआरएनए में हमेशा कोडोन होता है, मतलब 3 बेस पेयर के सेट होते हैं। तो इस टीआरएनए पे है सीजीटी, इस टीआरएनए पे है सीडबल ए, ये यहाँ पे आके बेस पेयर बना लिया। अब ये राइबोसोम है ना, ये एंजाइम की तरह वर्क करता है, और ये क्या करेगा, इन ये टीआरएनए जुड़ता जाएगा एमआरएनए से, और यहाँ पे एक एक अमीनो एसिड बनाता जाएगा, ठीक है, और फिर आगे बढ़ता जाएगा। इधर से एक अमीनो एसिड बनाया इन्होंने वेलिन, फिर ये आगे बढ़े, फिर इन्होंने बनाया एलेनिन, फिर ये आगे बढ़े, फिर सीरीन, फिर ग्लाइसिन, फिर ल्यूक, ये पूरा देखो चेन बना रखी है इन्होंने जो निकाल दिए बना के। और इनका मूवमेंट होता है हमेशा फ्रॉम 5-3-, ये याद रखना, ठीक है। तो ऐसे अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड इज प्रोटीन ओनली एक्चुअली, ठीक है। तो हमें क्या बनाना था, आरएनए से प्रोटीन बनाना था, देखिए बन गया, एमआरएनए था, राइबोसोम जुड़ा एंजाइम की तरह, टीआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बने, उसके बाद अपने आप राइबोसोम एंजाइम की तरह वर्क करते, इसको जो भी बेस पेयर्स हैं उनसे अमीनो एसिड बनाना चालू करता है, और यही अमीनो एसिड आगे जाके प्रोटीन एंड एंजाइम्स बनाएंगे। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाना है टीआरएनए एमआरएनए से जुड़ रहा है, राइबोसोम्स जुड़ रहे हैं। अब इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा एक पैराग्राफ जैसा लैंग्वेज जो है अभी बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी और आपको समझेगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। पहले तो ट्रांसलेशन का डेफिनेशन लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने, अगर आपको बायोलॉजिकली फॉर्म में अच्छे से डिफाइन करना है तो आप ऐसा लिखो, वेरी शॉर्ट आया तो बस ये लिखना है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, the process is called translation, and here translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. Polypeptide matlab protein. Protein forms by polymerization of amino acids from the information provided by mRNA. So ribosome is the site of protein synthesis. The amino acids are joined together by a peptide bond. The formation of a peptide bond requires energy. So dekhiye, definition to yahan pe khatam ho gaya iska. Translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide from the information provided by mRNA. Uske baad process likhi hai. Ribosome is the site of protein synthesis. Amino acids are joined together by peptide bond. The formation of a peptide bond requires energy. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate. कुछ नहीं है, इतना सा लिखा है कि राइबोसोम है वो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का, अमीनो एसिड जो है वो सब मिलके जुड़के पेप्टाइड बोन्स बनाते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बोन की हेल्प से जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और दो स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप में एनर्जी लगती है, सेकंड स्टेप में नहीं लगती है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में एटीपी नाम, एटीपी आपको पता है ना द मोड ऑफ एनर्जी राइट इन ह्यूमन सेल, तो लिखा है द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, मतलब उनको एनर्जी लगेगा। अब आगे की प्रोसेस क्या है वो स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट स्टेप में लिखा है इफ टू सब चार्ज टी आर एन ए आर ब्रोट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बोन्स बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, मतलब ये लिखा है कि दो टी आर एन ए को लेके आना होता है, जैसे डायग्राम में देखिए दो टी आर एन ए थे, एक ये था एक ये था, दोनों टी आर एन ए को जब हम लेके आएंगे तो बीच में एनर्जी जनरेट की वजह से फटाफट बोन्स बनने स्टार्ट होंगे और चेन बननी चालू हो जाएगी। तो इफ टू सब चार्ज टी आर एन ए आर ब्रोट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बोन्स बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, अपने आप ही एनर्जेटिकली फेवर्ड होगा। उसके बाद सेकंड है द व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। जब स्मॉल सब यूनिट किसकी बात की है, राइबोसोम की बात की गई है। देखिए डायग्राम में मैंने आपको बताया था एक छोटा सेगमेंट होता है एक बड़ा सेगमेंट होता है, छोटे वाले को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, बड़े वाले को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, जब स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के पास जाके जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो ट्रांसलेशन शुरू होता है।
हिंदी में समझा दिया है, जब छोटा सब यूनिट mRNA से जाके जुड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ RNA पॉलीमरेज एंजाइम तो ट्रांसलेशन शुरू होता है. तो दे आर टू साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट. फिर लार्ज सब यूनिट की बात की है, लार्ज सब यूनिट के अंदर दो साइड्स होती है जहां पे अमीनो एसिड बाइंड होते हैं और सब स्मॉल सब यूनिट में mRNA बाइंड होते हैं. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप, अ ट्रांसलेशनल यूनिट एन mRNA इज अ सीक्वेंस ऑफ RNA that is flanked by the start codon. जो translational unit है mRNA के अंदर वो sequence है RNA का जो start codon. Start codon क्या होता है? AUG. And stop codon क्या होता है? Stop codon आपके होता है UTR. ठीक है, तो जो आपका translational unit है mRNA के अंदर वो शुरू होता है start codon से, मतलब AUG से चालू होगा और last में जाके एंड कोडोन पे जाके रुक जाएगा जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं. और इनका जो डायरेक्शन है वो लिखना आप 5-2-3-5 5- पे स्टार्ट कोडोन से पहले और 3- पे स्टॉप कोडोन के बाद. ये डायरेक्शन वाली पॉइंट आप थर्ड में लिखना, सेकंड में आप लिखना राइबोसोम का स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एंड फर्स्ट में आप लिखोगे tRNA दो आएंगे. ये चीज तीन पॉइंट्स क्लियर हो गए. अब फोर्थ पॉइंट है फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडोन. इनिशिएशन की बात की है, जब इनिशिएशन होता है तो राइबोसोम जो होता है वो स्टार्ट कोडोन पे बाइंड करेगा, दैट इज रिकॉग्नाइज ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA. tRNA ये भी टाइप्स होता है, ये इनिशिएटर tRNA होते हैं, फिर जो एंड tRNA होते हैं वो टर्मिनेशन tRNA होते हैं. जो इनिशिएटर tRNA है ना वो स्टार्ट कोडोन पे जाके बाइंड कर जाता है और टर्मिनेटर tRNA जो होता है वो लास्ट में जाके बाइंड कर जाता है जब एंड होना होता है ट्रांसलेशन. तो आप फोर्थ पॉइंट में यही लिखोगे कि एक इनिशिएटर tRNA होता है वो जाके बाइंड करता है AUG विच इज स्टार्ट कोडोन. तो AUG एक्ट्स एज एन इनिशिएटर कोडोन एंड कोड्स फॉर मिथियोनिन. तो सबसे पहले मिथियोनिन बनेगा क्योंकि AUG स्टार्ट कोडोन है और ये मिथियोनिन को बनाता है. फिर राइबोसोम प्रोसीड करेगा इलोंगेशन फेज में. अब इसके फेजेस आते हैं. अब इलोंगेशन फेज में क्या है, प्रोटीन बनता जाएगा, फिर लास्ट में इसका टर्मिनेशन फेज आएगा जहां पे स्टॉप कोडोन आ जाएगा. तो वो आपको फिफ्थ पॉइंट में बताना है. अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA. इन द एंड एट स्टॉप कोडोन अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन. अब क्या होगा, एंड जब होगा तब स्टॉप कोडोन में एक रिलीज फैक्टर बाइंड होगा. ठीक है, तो वो टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा ट्रांसलेशन को एंड रिलीज करेगा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम. तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा क्योंकि बहुत सारा है. अगर मैं इसको डिवाइड करूं पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आप क्या लिखोगे, आपकी लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट डिवाइड करूंगी इसको एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट, उसमें आपको क्या लिखना है, दो tRNA को एक्सप्लेन करना है कि दो tRNA आते हैं वो आपस में आके चार्ज, उनका एनर्जेटिक अपने आप रिलीज होता है एनर्जी और पेप्टाइड्स को बाइंड करना चालू कर देते हैं. सेकंड पॉइंट में आपको राइबोसोम का एक्सप्लेनेशन देना है कि राइबोसोम में दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है इसकी स्मॉल, एक होती है इसकी लार्ज सब यूनिट. ये स्मॉल सब यूनिट mRNA पे जुड़ती है, लार्ज सब यूनिट पे आपके अमीनो एसिड जुड़ते हैं और चेन बनता है. फिर थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कि एक होता है इनिशिएटर कोडोन, एक होता है स्टॉप कोडोन. इनिशिएटर कोडोन आपका होता है AUG, ठीक है, एंड स्टॉप कोडोन आपके होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन्स. बस थर्ड पॉइंट कितना लिखना है. फिर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है आपको, फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि इनिशिएशन के टाइम पे जो राइबोसोम होता है वो स्टार्ट कोडोन पे जाके जुड़ता है जो आपका AUG है. ठीक है, तो स्टार्ट कोडोन पे जाके राइबोसोम जुड़ेगा, ये आपको फोर्थ पॉइंट पे लिखना है. और ये इनिशिएटर tRNA और टर्मिनेशन tRNA के बारे में एक्सप्लेन करना है कि एक इनिशिएटर tRNA होता है वो आपका जाके AUG पे राइबोसोम पे जुड़ेगा और इनिशिएट करेगा, और एक टर्मिनेटर tRNA होता है जो एंड करेगा प्रोसेस को. फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, फिफ्थ पॉइंट आपको बस इतना, लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, लास्ट पॉइंट में आपको ये लिखना है कि एक फेज आएगा, उस फेज का नाम है इलोंगेशन फेज, जिसमें अमीनो एसिड के चले जाएंगे, पूरी चेन बनती चली जाएगी. देखिए चेन बन गई अमीनो एसिड की, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोला है, ये बनती चली जाएगी अंटिल अ रिलीज फैक्टर कम्स. रिलीज फैक्टर जाके जब टर्मिनेशन कोडोन पे जाके अटैच होगा,
टर्मिनेशन कोडोन पे, तब तक ये होगा और फिर लास्ट में ये एंड हो जाएगा और ये पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये सारे आपको 5 पॉइंट लिख के आना है। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारे आपको पॉइंट्स लिख के आना है। नाउ हम देखते हैं, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4th हो गया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th है डिफाइन ऑरेंज मैन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5th है डिफाइन एन ओपेरॉन, गिवन इन एग्जांपल एक्सप्लेन द इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्वेश्चन नंबर 5th में ओपेरॉन के बारे में पूछा होता है, ठीक है। तो ओपेरॉन क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम देख के समझिए ओपेरॉन क्या है। डायग्राम में आपको इनिशिएशन दिखाया है और टर्मिनेशन दिखाया है, ठीक है। ये पूरा एक सीक्वेंस है आपके डीएनए का, जीन सेगमेंट लगा लीजिए, डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, डीएनए में से एक सेगमेंट निकाला जिसको बोला जीन। जीन के अंदर एक सीक्वेंस है जो आपको यहाँ पे दे रखा है। इस सीक्वेंस को पहले तो आप याद कर लो, पी आई पी, देन रिप्रेसर यहाँ पे जुड़ा हुआ है ओपेरॉन पे, ठीक है, ओ देन जेड वाई ए, ये आपको याद रखना है, जेड वाई ए तो एकदम याद कर लो। एंड उसके बाद ये पूरा सीक्वेंस याद रख लो, पी आई पी। मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि ये क्या होता है, लेकिन उससे पहले यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ जीनोमिक डीएनए कंटेनिंग अ क्लस्टर ऑफ जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रोमोटर इज कॉल्ड एन ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है, एक फंक्शनिंग यूनिट है जीनोमिक डीएनए की, जिसमें जीन्स का क्लस्टर होता है और एक सिंगल प्रोमोटर होता है, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रोमोटर। सिंगल प्रोमोटर के कंट्रोल से एक फंक्शनिंग यूनिट डीएनए की, उसको पूरे यूनिट को हमने ओपेरॉन बोला है। ये ओपेरॉन का डायग्राम था जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स होते हैं इसके, जैसे प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, और ये सब पार्ट्स होते हैं इंड्यूजर। ये सब पार्ट्स को हम डिफाइन करेंगे तब हमारा पूरा ओपेरॉन डिफाइन होगा। और ये एग्जाम्पल देके पूछा है कि गिवन इन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इंड्यूसिबल ओपेरॉन, एग्जाम्पल देके बताओ एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन के बारे में। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है, क्या है, एन ओपेरॉन इज जनरली ट्रांसक्राइब इनटू पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, अ सिंगल एमआरएनए व्हिच कोड्स फॉर मोर देन वन प्रोटीन इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। ओपेरॉन जनरली ट्रांसक्राइब करता है इनटू पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, a single mRNA which codes for more than one protein is called polycystronic mRNA, and operon is made up of 3 basic DNA components. Example देके बताया, 3 basic DNA components होते हैं operon के अंदर, क्या क्या होते हैं, एक होता है promoter, फिर होता है operator and फिर होता है structural genes. Diagram में देखिए, ये होता है promoter, ये होता है operator, और ये होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। जेड वाई ए जो है ना, ये आए स्ट्रक्चरल जीन्स, इनको स्ट्रक्चरल जीन्स क्यों बोला है, ये आगे जाके ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। जेड वाई ए आगे जाके ट्रांसलेशन करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन बनेगा, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल जीन्स बोला है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स, स्टार्टिंग का पार्ट इज प्रोमोटर एंड दिस पार्ट इज ऑपरेटर। यू हैव टू बी क्लियर विद इट। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ऑपरेटर, ये क्या करेगा, यहां से ऑपरेट होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं होगा। तो एक रिप्रेसर एमआरएनए होता है, अगर वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर रिप्रेसर एमआरएनए के साथ हमने इंड्यूजर को जोड़ दिया, इंड्यूजर होता है मेनली लैक्टोज, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो, अब लैक्टोज एक इंड्यूजर का काम करता है, इंड्यूजर का मतलब है कि वो ट्रांसक्रिप्शन को होने देगा। तो अगर हमने एक लैक्टोज को रिप्रेसर एमआरएनए से जोड़ा, तो वो जो रिप्रेसर था वो इनएक्टिव हो गया, तो आगे जाके देखिए सेकंड डायग्राम में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और फर्स्ट डायग्राम में नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि सेकंड डायग्राम में इंड्यूसर जाके जुड़ा है रिप्रेसर एमआरएनए में, फर्स्ट में नहीं जुड़ा है। तो इंड्यूसर क्या है, यहाँ पे लैक्टोज है, वहीं से नाम आया लैक ओपेरॉन, लैक्टोज से नाम निकला है लैक ओपेरॉन। तो ये एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन का, जो क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम्पल देके समझाओ, तो ऐसे आप समझा सकते हो कि इंड्यूसिबल ऑपरेन। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब ये है कि अब कोई बाहर से इंड्यूसर चाहिए टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन,
तो यहाँ पे लैक्टोज आया और उसने ट्रांसक्रिप्ट किया, तो ये आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। बाकी ऑपेरॉन के पार्ट्स तो हैं प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। तो प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसमें जीन ट्रांसक्राइब होते हैं, ठीक है, जो इनेबल करता है एक जीन को टू बी ट्रांसक्राइब्ड, तो इसको बोलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब ही है प्रोमोट करना किसी चीज को, तो ये प्रोमोट करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। सेकंड है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब भी देखिए, ऑपरेटर का मतलब है किसी चीज को कंट्रोल करना। तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जिससे एक रिप्रेसर बाइंड करता है इज कॉल्ड द ऑपरेटर, मतलब ये कंट्रोल करेगा किसी चीज को। अगर इससे रिप्रेसर बाइंड हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अगर इससे रिप्रेसर बाइंड नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर, ऑपरेट कर रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन को। स्ट्रक्चरल जीन्स तो मैंने बता ही दिया, जीन्स जो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, और आगे जाके प्रोटीन्स बनाएंगे। तो जीन्स दैट आर को-रेगुलेटेड बाय द ऑपेरॉन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इंड्यूसेबल ऑपेरॉन क्या है, व्हेन एन ऑपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय एन इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब एग्जांपल है लैक्टोज, ठीक है। तो जब भी कोई ऑपेरॉन रेगुलेट होता है एक इंड्यूसर से, उसको हम इंड्यूसेबल ऑपेरॉन बोलते हैं। एंड इंड्यूसर कैन स्विच ऑन और ऑफ द ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन एक एग्जांपल है इंड्यूसेबल ऑपेरॉन का। लैक्टोज, देखिए लैक्टोज की बात की है, लैक्टोज एक सब्सट्रेट है जो इंड्यूसर की तरह काम करता है। और इस डायग्राम में तो आपको समझ आ ही गया, फर्स्ट डायग्राम में इंड्यूसर नहीं था तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, सेकंड में इंड्यूसर आ गया, ये देखिए इंड्यूसर है तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ये लैक ऑपेरॉन का डायग्राम है। तो गिवन डायग्राम शोज द वर्किंग ऑफ द लैक ऑपेरॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या आपको पूछ रहा है, लेट्स सी। ओके, तो रेड पेन ले लेते हैं, रेड पेन से डार्क हो जाएगा। हाँ, तो देर इज अ पैटर्निटी डिस्प्यूट फॉर अ चाइल्ड, विच टेक्निक कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। ये तो बहुत ही ऐसे बेसिक सा ही क्वेश्चन है, पहले भी एमसीक्यूज में हमने पढ़ा है, शॉर्ट आंसर टाइप में हमने पढ़ा है। जब भी पैटर्निटी डिस्प्यूट्स आते हैं तो डीएनए टेक्निक्स की यूज करके हम पता लगा लेते हैं। पहले तो समझिए पैटर्निटी डिस्प्यूट्स हैं क्या। पैटर्निटी डिस्प्यूट्स ये हैं कि एक चाइल्ड है और उस पर एक डिस्प्यूट हो गया है। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुआ और अब दो पेरेंट, दो कपल हैं और उनमें डिस्प्यूट है कि नहीं ये हमारा बच्चा है, दूसरा बोल रहा है हमारा बच्चा है। अब ये हो गया पैटर्निटी डिस्प्यूट कि किसका बच्चा है, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स होती हैं डीएनए की, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना। अब इस नाम तो ले लिया टेक्निक का, इसमें लिखा है विच टेक्निक, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इस टेक्निक के प्रिंसिपल को बताना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कैसे हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई कि कोई बच्चा किस पेरेंट का है, वो क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स। चलिए अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और कैसे हेल्प करेगा। तो ये जो डिस्प्यूट है, पहले आपको ये समझना है कि क्या पैटर्निटी डिस्प्यूट होता है। तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग पैटर्निटी फॉर अ चाइल्ड कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या प्रिंसिपल है, राइट स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग अ डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजंस ऑफ डीएनए। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा डीएनए होता है, ये देखिए लेफ्ट स्क्रीन पे। मान लीजिए ये इंडिविजुअल नंबर ए है, ये इंडिविजुअल नंबर बी है। वन सेकेंड, मैंने एक डायग्राम भी आपके लिए यहाँ पे लगाया था, ये रहा डायग्राम। ये इंडिविजुअल ए है, राइट स्क्रीन पे देखिए, ये इंडिविजुअल बी है। इसके क्रोमोसोम नंबर, रैंडम क्रोमोसोम ले लिया, क्रोमोसोम 7 ले लिया, क्रोमोसोम 2 ले लिया, क्रोमोसोम 16 ले लिया, इसका भी सेम लिया 7, 2, 16। तो फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है ना, हमारे डीएनए में कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो आगे जाके रिपीट ज्यादा होते हैं, और ये हर एक इंडिविजुअल का ना स्पेसिफिक होता है, मदर फादर से इनहेरिटेंस में मिलता है। ये देखिए इंडिविजुअल नंबर ए के अंदर जो 7 क्रोमोसोम है उसका 3 इतना छोटा सा पार्ट बार बार रिपीट होगा, और क्रोमोसोम 2 के अंदर ये येलो वाला पार्ट रिपीट होगा, और क्रोमोसोम 16 में ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट रिपीट होगा। इंडिविजुअल नंबर बी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 7 है उसमें इतना बड़ा रेड कलर का पार्ट रिपीट होगा बार बार, एंड क्रोमोसोम नंबर 2 में इतना पार्ट रिपीट होगा जो एग्जैक्टली कॉपी है आपका इंडिविजुअल नंबर ए का।
एंड देन क्रोमोसोम नंबर 16 में इतना छोटा सा पार्ट बार बार रिपीट होगा, तो जितने ज्यादा पार्ट रिपीट होते हैं ना उनको हम प्रिंट कर सकते हैं, वो अलग से चमकते हैं उस डीएनए के, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ए बी का बच्चा होता तो ये सब ना सेम होता, सेवन में सेम ऐसा ही जाता, सेवन इनका सेम, बट इसमें डिफरेंट है, 16 भी सेम जाता। अगर ए बी का बच्चा होता तो जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक लगाते जिसमें हम नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स निकालते और उसको ऐसे प्रिंट करते ना, तो ए और बी कॉपी आता, ए और बी एक दूसरे का कॉपी आता। इसमें हमने कैसे चेक किया है, ए एक दूसरा पेरेंट है, बी एक दूसरा पेरेंट है, मतलब एक दूसरे कपल का एक पेरेंट है और डीएनए जो बी का है वो दूसरे पेरेंट का कपल का है। और जो यहाँ पे आपको दे रखा है ना ये वाला जो सी है, सी बच्चे का है डीएनए फिंगरप्रिंट। अब पेटर्निटी डिस्प्यूट हो गया है, आपने ए का फिंगरप्रिंट निकाला, बी का फिंगरप्रिंट निकाला, अब आप मैच करोगे, सी जिससे ज्यादा मैच होगा सी उसका बच्चा है। ये पेटर्निटी डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझा रही हूँ। ए आपने इंडिविजुअल ए एक दूसरा पेरेंट का कपल का डीएनए का फिंगरप्रिंट निकाला जो ऐसा दिख रहा है, बी दूसरे कपल के पेरेंट का, जो दूसरा कपल है जो बोल रहा है कि हम पेरेंट है बच्चे का, उसका फिंगरप्रिंट निकाला, और जो सी यहाँ पे दिख रहा है ना ये बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट है। अब आप मैच करोगे तो बताइए सी किससे ज्यादा मैच हो रहा है, ए से हो रहा है बी से हो रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है कि सी बी से ज्यादा मैच हो रहा है, तो बिल्कुल सेम टू कॉपी बी के जैसा आ रहा है, तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि सी बी कपल का बच्चा है, ए का बच्चा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करेगा इस केस के अंदर, ये चीज यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजंस ऑफ डीएनए, द सीक्वेंस इन सच रीजंस इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। मैंने बोला ना कुछ ऐसा पार्ट होता है जो बार बार रिपीट होता है उसको रिपीटेटिव डीएनए बोला है। तो अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन सम सीक्वेंस, some small stretch of DNA is repeated many times in some small sequence, ठीक है। तो आगे देखिए, during density gradient centrifugation क्या होती है technique, technique का principle क्या है, density gradient centrifugation, ये word याद रखना, क्या word है, density gradient centrifugation, ये ही इसका principle है। इस टेक्निक जब ये हम करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये जो सीक्वेंस होता है ना ये पूरा बल्क मतलब बहुत सारा डीएनए है, अब इसमें से कुछ ऐसा सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हो रहा है ये इससे सेपरेट हो जाता है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस इससे सेपरेट हो जाएगा जो बार बार रिपीट हो रहा था इस टेक्निक की हेल्प से, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो जो बल्क होगा डीएनए का वो मेजर पीक बनाएगा और जो स्मॉल पीक्स हैं वो सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। सैटेलाइट डीएनए किसको बोलते हैं, जो स्मॉल पीक्स होते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाई है वेरियस टाइप्स में, वो टाइप्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल कोर है वो यही है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे जो आपका बल्क डीएनए है उससे सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, सीक्वेंसेस का, और उन सीक्वेंस को हम एक जगह देख सकते हैं। तो इन दिस केस ऑफ एन इंडिविजुअल डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू शोज द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अगर किसी का कोई बच्चा है तो उसका जो डीएनए है वो उसका सेम एक दूसरे का सेम होगा, पॉलीमॉर्फिज्म दोनों का सेम होगा, इसलिए डीएनए फ्रॉम एनी टिश्यू कैन बी यूटिलाइज्ड टू एनालाइज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, मोरओवर पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। इसका रीजन ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, इसलिए चिल्ड्रन का पेरेंट्स जैसा आता है, हेंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस पैटर्निटी फॉर अ चाइल्ड। वेरी बेसिक, यू गॉट इट ना, ओके। सो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर आपका सेवेंथ, हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, गिवन एन अकाउंट ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम। इसमें बोला है कि क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं सीक्वेंसिंग करने में ह्यूमन जीनोम को, उन मेथड्स के आपको टाइप्स बताने हैं, क्या क्या मेथड्स हैं वो एक्सप्लेन करना है। तो देखिए लिखा है कि टू अप्रोचेस वर इन्वॉल्व इन सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम, क्या दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच है यूजिंग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, in this approach all the genes that are expressed as RNA identified and then sequence, naam mein hi pata using expressed sequence tags, iske andar kya hai sare ke sare genes jo expressed hai RNA ki tarah unko identify kiya jata hai aur unko sequence kiya jata hai, sequence ka matlab hai unse protein banaya jata hai, theek hai। to
क्वेश्चन का मतलब ही क्या है, सीक्वेंसिंग करना है ह्यूमन जीनोम का, मतलब पता लगाना है कि ह्यूमन जीनोम मतलब जीन जो है पूरा ह्यूमन का जो डीएनए है उसके अंदर कैसे कैसे जीन्स है, क्या क्या फंक्शन है, इसका मतलब है सीक्वेंसिंग। और इसमें बोला है कि मेथड बताना है, तो पहला मेथड है यूजिंग एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का मतलब ये है कि सारे के सारे जीन्स जो आरएनए की तरह एक्सप्रेस हो गए हैं उनको निकालो और पहले उनको सीक्वेंस करो, उनके बारे में स्टडी करो जो आरएनए में सीक्वेंस हो गए। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड इज ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा डीएनए एक साथ स्टडी करो। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले हम उन जीन को निकालेंगे जो फंक्शनल थे, जो आरएनए में बदले, जो एक्सप्रेस हुए, ऐसा नहीं है। इसमें ब्लाइंड अप्रोच है, मतलब हमें नहीं पता कि कौन सा, ब्लाइंड का मतलब हमें नहीं पता कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा सिक्वेंसिंग होता है। नाउ आगे जाके यहाँ पे लिखे हैं कि क्या क्या अप्रोचेस है ना, मेथड्स पूछे हैं। तो टोटल इसमें है, दिस अप्रोच इज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ स्मॉलर साइजेस। पूरा का पूरा जो डीएनए है एक सेल से वो आइसोलेट किया जाता है और उसको कन्वर्ट करते हैं रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ स्मॉलर साइजेस। पहला स्टेप होता है ये, पूरा डीएनए निकाला जाता है उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे साइजेस में डिवाइड किया जाता है। फिर क्या है, दीज फ्रेगमेंट्स आर क्लोन इन अ सूटेबल होस्ट। एक होस्ट लिया जाता है, मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर इनको क्लोन किया जाता है। क्लोन का मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन किए जाते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया ईस्ट इनके अंदर किया जाता है। जब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो ऑटो, थर्ड स्टेप है ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर्स यूज किए जाते हैं जो इन फ्रेगमेंट्स को सिक्वेंस करता है। मतलब हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते इसलिए तोड़ दिया हमने, फ्रेगमेंट्स में बदल दिया, तो टोटल डीएनए को हमने आइसोलेट किया और फ्रेगमेंट्स में बदला, दैट इज फर्स्ट स्टेप। फ्रेगमेंट्स में बदलने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि उसको एक यीस्ट या बैक्टीरिया में मतलब रखा जाता है और वहां पे क्लोन किया जाता है, रेप्लिकेशन किए जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि जो भी उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने उन फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस किया जाता है। फोर्थ स्टेप है जो भी ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स है उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, फॉर जनरेटिंग ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स इन दी सीक्वेंसेस हेल्पफुल कंप्यूटर प्रोग्राम का हेल्प लिया जाता है। अब हम मैनुअली करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा इसलिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प ली जाती है। उसके बाद जो सीक्वेंस है उनको एनोट किया जाता है, मतलब उनपे टैग्स लगाए जाते हैं, उनको नाम दिया जाता है। और लास्ट है मैपिंग की जाती है, मतलब कि उसका लोकेशन एक जगह पे मैप कर दिया जाता है टैग लगा के, जिससे बाद में हमें ढूंढना ना पड़े, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रहे कि ये डीएनए इस क्रोमोजोम का पार्ट था और इस लोकेशन पे था, तो उसको मैपिंग बोलते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं क्या क्या हमारे स्टेप्स थे। तो पहला स्टेप जो हमारा था फर्स्ट वो ये था कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा ये था जो फ्रेगमेंट्स बने उनको वेक्टर्स में बैक्टीरिया या फिर ईस्ट के अंदर ट्रांसफर किया है ना, और ट्रांसफर करने के बाद उनका सीक्वेंसिंग चालू कर दिया। थर्ड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, जो भी आपका सीक्वेंसर्स हैं उनको सीक्वेंस किया गया। सीक्वेंसर्स डीएनए सीक्वेंसर्स जो होते हैं वो एक ऐसे एंजाइम्स जाती है, सीक्वेंसर्स लिख के आना डीएनए सीक्वेंसर जो फ्रेगमेंट बने थे उनमें कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प ली गई, ठीक है। एंड फिफ्थ स्टेप क्या था आपका, फिफ्थ स्टेप में क्या किया, एनोटेशन, नाम दिया गया, एनोटेशन किया गया। और सिक्स स्टेप में मैपिंग की गई, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करके रखा गया, मैपिंग की गई। तो ये छह के छह स्टेप्स ह्यूमन जीनोम के अंदर आपको याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द वेरियस मार्कर्स दैट आर यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या मार्कर्स यूज होते हैं उनको आपको लिस्ट करना है, ज्यादा नहीं है, दो ही है। क्या क्या है जल्दी से बता देती हूँ, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स VNTR और दूसरा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मार्कर्स का मतलब क्या है, मार्कर्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो यूज होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स डीएनए। मार्कर्स क्या है, मार्कर्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर एक ऐसे डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो काम में आते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डीएनए। ये जो मार्कर्स होते हैं ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को शो करते हैं। तो मार्कर्स क्या है, मार्कर्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर डीएनए सीक्वेंसेस, ऐसे की डीएनए सीक्वल डीएनए, उनको हम डीएनए मार्कर्स बोलते हैं। मान लीजिए आपका डीएनए, आप इंडिविजुअल नंबर ए हो, मैं इंडिविजुअल नंबर बी हूं, मेरा डीएनए जो ए है उसको
आइडेंटिफाई करने के लिए एक मार्कर होगा, एक ऐसा छोटा सा डीएनए सीक्वेंस होगा, उसको हमने मार्कर बोला है, जो इस एक ही क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करेगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो सीक्वेंस होते हैं उनको डीएनए मार्कर्स बोला है। तो बहुत सारे डीएनए मार्कर्स होते हैं, लेकिन दो होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर होते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करते हैं। पहला है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। दूसरा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs। तो VNTR को पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर SNPs को डिस्क्राइब करेंगे। ये डायग्राम तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए VNTR को देखते हैं। VNTR क्या, और इस डायग्राम में देखिए VNTR का यूज किया है, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, VNTR मार्कर का यूज किया है। तो VNTR क्या है, VNTR को हम मिनी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। ये जो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, टेंडमली रिपीट, मतलब बार बार रिपीट होते हैं छोटे छोटे सीक्वेंस डीएनए के। तो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दीज रिपीट्स वेरीज विद इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल के अंदर कौन कितना रिपीट हो रहा है ये वेरी करता है। लेकिन ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इनहेरिटेंस वाला होता है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड में जाएगा, तो चाइल्ड और पेरेंट का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसलिए पेटर्निटी डिस्प्यूट में हम फिंगरप्रिंटिंग का हेल्प लेते हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए VNTR क्या है। नाउ हम आएंगे SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इज फॉर्म व्हेन एन ऑल्टरेशन और म्यूटेशन अकर्स इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। जब भी कोई म्यूटेशन होता है एक न्यूक्लियोटाइड में तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड के नाम में ही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक, ओनली वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है ना, या तो एडिनिन या थाइमिन या साइटोसिन या ग्वानिन, इनमें से अगर कहीं पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो SNPs का काम किया जाता है, इसलिए पॉइंट म्यूटेशन वर्ड आएगा यहाँ पे। द पॉइंट म्यूटेशन लाइक सब्स्टिट्यूशंस, इंसर्शंस और डिलीशंस इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट्स SNPs, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन की बात आएगी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में। तो दो तरह के मार्कर्स हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ज्यादा बड़े नहीं है ये, छोटे से ही है। ये डायग्राम में आपको VNTR मार्कर दिखाया है जो क्रोमोसोम नंबर C पे है। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन काफी ईजी है। फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल ऑफ इट, चलिए छोड़िए, रेज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेप्लिकेशंस वाज अलाउड टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स इन ई कोलाई। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, लेट वी सी, ब्लू कलर से, यस। तो देखिए, रेप्लिकेशन वॉज अलाउड टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स इन ई कोलाई, दैट वॉज अ म्यूटेंट फॉर डीएनए लाइगेस। तो इसमें पहले की बात की है, जो रेप्लिकेशन था वो अलाउ किया टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीएनए प्रिकर्सर्स इन ईकोलाय, दैट वॉज अ म्यूटेंट फॉर डीएनए लाइगेस। न्यूली सिंथेसाइज रेडियोएक्टिव डीएनए वॉज प्योरिफाइड एंड स्ट्रैंड्स वर सेपरेटेड बाय डीनेचुरेशन, ठीक है। तो देवर सेंट्रीफ्यूज्ड यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जो फिंगरप्रिंटिंग की मेन प्रिंसिपल थी, ये आपको याद होनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट रिजल्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि एक ईकोलाय नाम का बैक्टीरिया था, ब्लू पेन से दिखाता है, हाँ। तो देखिए एक ईकोलाय नाम का बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो उसका डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है, इसका जो डीएनए है ना ये रेडियो एक्टिव हो गया है, रेडियो एक्टिव। अब ये आगे जाके रेप्लिकेट करेगा और इसके डॉटर डीएनएस बनेंगे, डॉटर डीएनएस में सेंट्रीफ्यूगेशन होगा और सेपरेट हो जाएंगे। तो कुछ ग्राफ्स दिए हैं और बोला है कि कौन सा ग्राफ सही है। वाई एक्सिस पे रेडियो एक्टिविटी दिखाया है, एन एक्सिस पे हाई मॉलिक्यूलर से लो मॉलिक्यूलर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हाई मॉलिक्यूलर लो मॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि आप पेरेंट से डॉटर डीएनए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स इन ई कोलाय, रेप्लिकेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए प्रिकर्सर्स इन ई कोलाय, दैट वाज म्यूटेंट फॉर डीएनए लाइगेस। न्यूली सिंथेसाइज रेडियो एक्टिव डीएनए प्योरीफाई किया, स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया डीनेचुरेशन से, ठीक है, सेपरेट किया जो न्यूली सिंथेसाइज आपके रेडियो एक्टिव डीएनए थे उनको प्योरीफाई किया और उनके स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया डीनेचुरेशन से। तो सबसे पहले लिखिए प्योरिफिकेशन किया, फिर सेपरेट किया, सेपरेट हेल्प किया डीनेचुरेशन से सेपरेट किया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया,
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से, फिर आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. इट्स डुएबल ओनली इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इट्स डुएबल ओनली. तो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग एंड देन वी विल डू. तो क्वेश्चन के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन तो आपको एक्सप्लेन हो गया है कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में. नाउ तो वी विल गो टू आवर पार्ट कि इसके जो ग्राफ्स आपने देखे, जो आपको ग्राफ्स दिखाए गए हैं, उनमें ग्राफ्स में कैसे हेल्पिंग हो रही है. ठीक है, तो देखिए ये कुछ ग्राफ्स हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. तो ये एक डॉटर आपका इकोलाय था. दिस इज डॉटर इकोलाय का डीएनए. एंड यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ. ये रेडियो एक्टिव था. दिस वॉज रेडियो एक्टिव. ठीक है, रेडियो एक्टिव था. तो जनरेशन वन बनी. जनरेशन वन के अंदर जैसे इसमें दो स्ट्रैंड्स थे ना, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव थे. तो दोनों स्ट्रैंड डिवाइड होके एक एक तरफ जाएंगे. एक रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर एक नया बन के इधर आएगा, नया बन के इधर आएगा. तो इसमें से बस एक ही स्ट्रैंड होगा जो रेडियो एक्टिव होगा. एक ही स्ट्रैंड होगा जो रेडियो एक्टिव होगा जनरेशन नंबर वन में. जनरेशन नंबर टू के अंदर भी जो दो हैं उससे चार बनेंगे. तो जो आपको डार्क वन दिख रहा है ना, मैं आपको रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ. ये रेडियो एक्टिव वाला जो डार्क है, ये रेडियो एक्टिव वाला जो डार्क है, इधर भी एक एक ही स्ट्रैंड है जो रेडियो एक्टिव है, इधर भी एक ही है, और इधर दोनों ही रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स हैं. दोनों ही स्ट्रैंड्स रेडियो एक्टिव है. तो समझ रहे हो ना, इधर 50% डिवाइड हुआ और इधर भी जो 50% डिवाइड था वो चार में से सिर्फ दो में ही गया. तो ग्राफ तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसा जाएगा कि हाफ हाफ होके डिवाइड हो जाएगा. जैसा कि लिखा है कि इन द एफ टू जनरेशन 50% ऑफ द डॉटर सेल्स विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए. फर्स्ट जनरेशन में देखा ना 50% के पास ही था. फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो दोनों के पास था. एफ टू जनरेशन है सेकंड जनरेशन. इस जनरेशन के अंदर 50% ऑफ द डॉटर सेल्स विल हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए. द रेस्ट 50% तो प्योर नॉन रेडियो एक्टिव होंगे. तो दिस इज द रीजन द ग्राफ शोन टू पीक्स, ईच पीक रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द डीएनए. ठीक है, तो एफ टू जनरेशन है ये वाला जनरेशन. दिस इज एफ टू जनरेशन, ये वाला जनरेशन, और एफ वन जनरेशन है ये जनरेशन वन जनरेशन टू. तो मैंने यहाँ पे चार में से दो जगह ही रेड कलर से मार्क किया है, मतलब चार में से दो हो गए 50%. तो 50% डीएनए है एफ टू जनरेशन के जिनके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल गया, एंड जनरेशन वन में दोनों के पास रेडियो एक्टिव मटेरियल गया है. तो 100% गया है 100% में. ठीक है, तो आपके ग्राफ में दो पीक बनेंगी. दो पीक क्यों बनेंगी? दो पीक इसलिए बनेंगी कि हर एक पीक एक डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे नाइट्रोजन हमने लिया. ठीक है, तो एफ टू जनरेशन के अंदर तो जो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन था वो 50% ही था, 50%. ठीक है, और रेस्ट जो 50% था वो नॉन रेडियो एक्टिव था. तो ये तो रेडियो एक्टिव था, इस पर मैं आर लिख देती हूँ, और ये रेडियो एक्टिव नहीं था, ये 50% के पास था. तो दोनों बराबर बराबर थे, ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन आर एंड ये नॉन रेडियो एक्टिव नॉर्मल एन नॉर्मल नाइट्रोजन. इसलिए दो पीक्स बनेंगी. एक पीक पे रेडियो एक्टिविटी एकदम देखो हाइएस्ट पे जा रहा है 50% में, और दूसरे पे नहीं है रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, ओनली सिंपल नाइट्रोजन है लेकिन 50% जनरेशन में रेडियो एक्टिव है और 50 में नहीं है. इसलिए फर्स्ट ग्राफ आपका करेक्ट है. ये आपका रीजन होगा कि क्यों फर्स्ट ग्राफ करेक्ट है आपका. तो ये रीजन यहाँ पे लिखा भी है. लेट अस अज्यूम द हैवी नाइट्रोजन वाज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट. दिस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम अ पेरेंट सेल वुड बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन डॉटर सेल्स. ईच डॉटर सेल विल हैव हाफ ऑफ द
DNA with heavier nitrogen, another half with lighter nitrogen. In the F2 generation, 50% of daughter cells will have the combination of radioactive and non-radioactive DNA. The rest 50% of daughter cells will have the non-radioactive DNAs. This is the reason the graph shows two peaks, each peak representing a particular form of nitrogen in DNA. Her peak represent kar raha hai particular form. Ye wala peak represent kar raha hai radioactive nitrogen ko, ye wala peak represent kar raha hai non-radioactive nitrogen ko, lekin dono 50% hai, isliye barabari pe ja raha hai. Isliye do peaks aayi hain. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इट्स ईजी ओनली इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.